पेट्रोल देने का कारण ये हुआ है अकपाए अगर मान लिया हमारे एमपी साहब बन गए किसी भी पार्टी से बन गए वो हमारी तरफ देखे हमारा रास्ता ठीक करवावे हमारी स्थिति बिजली की खराब हो रही इसे ठीक करवावे और जब ये हो ही रहा था फिर रोड देने का हमें क्या फायदा। इधर हमारी खेती है वो सार्वजनिक रास्ते में इतने गड्ढे पड़े हुए हैं कि उसमें ट्रैक्टर ट्राली बुग्गी अगर आप पलट जाते हैं कहीं दुर्घटना ऐसी होगी जो हमारे क्या नाम बच्चे मतलब दब गए उसके नीचे। अगर हमारा काम करेंगे काम के बदले वोट है नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। सहारनपुर और बिजनौर जिले भले ही अलग अलग जिले हों लेकिन जनता की परेशानी और सवाल सब एक जैसे ही हैं। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीने वाले ग्रामीण विकास के दावों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नाराजगी इतनी ज्यादा है कि सहारनपुर के मोहनपुर गांव के लोगों ने मतदान ना करने का ऐलान कर दिया है। तो समस्या हमारे यहाँ इतनी है, नाली देख लो आप, कहीं पुलिया देख लो, कोई सड़क देख लो, सब टूटी हुई है, कोई विकास नहीं है। तो इसलिए हम अब की बार वोट का बहिष्कार रखा हमने, हम किसी को कोई वोट नहीं देंगे जब तक कोई हमें लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा। सिर्फ हमारे पास यही ऑप्शन है कि हमारी सुनवाई होगी कब होगी, क्योंकि अभी प्रतिनिधि जो भी है या सांसद जो भी एट प्रेजेंट है वो अभी आकर सुन सकते हैं, बाद में तो आने का मतलब ही नहीं उनका, क्योंकि पिछले 5 साल से यहाँ पर कोई नहीं आया, डेवलपमेंट के नाम पे 0 है यहाँ पर। बिजनौर जिले के मजलिसपुर तौफीक गांव का भी हाल कुछ ऐसा ही है। बदहाल सड़कों से लोग अक्सर हादसे का शिकार हो रहे हैं। इसी की तरफ ध्यान खींचने के लिए ग्रामीणों ने अब चुनाव बहिष्कार का दाव अपनाया है। सब कह के चले जाते हैं कि बनवा देंगे लेकिन बाद में कोई कुछ नहीं बनवा। कितने सालों से खराब? ये तो लगभग हर साल खराब हो जाता है। तो रास्ते नहीं तो वोट नहीं, ये डिसाइड किया, रास्ते नहीं बनाए किसी ने तो हम वोट भी नहीं देंगे इस बार। केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारें विकास के दावे करती नहीं थक रही, ऐसे में बुनियादी सुविधाओं को लेकर चुनाव बहिष्कार की ये घटनाएं इन दावों को कटघरे में खड़ा करने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुराज एक्सप्रेस।